तो से स्करम देवम कहा गया है कि भगवान के प्रसन्न होने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। परमात्मा जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमें ना मिल पाए। तो ऐसे काम कीजिए जिससे भगवान प्रसन्न हो। लिंगम शिवम तथा पुष्पम अखंडम तंडुलम तथा, भगवान के ऊपर कभी टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ता, अखंड शब्द लिखा है। भगवान के ऊपर पानी में डूबता हुआ फूल नहीं चढ़ाया जाता, तो ऐसा नहीं बर्फ़ की सिल्ली के ऊपर रखा और उसमें पानी टपक रहा है, नहीं, फूल गीला नहीं हुआ, सूखा नहीं हुआ, पानी नहीं टपक रहा हो। लिंगम शिवम तथा पस्मा खंडम तंडुलम तथा चरथम चंद नहीं व जलधाराम तथा पुनः। उस महारुद्राभिषेक की बहुत बड़ी महिमा सुन लीजिए, जहाँ जिस पिंडी पर चंदन लगा हुआ है उनके ऊपर बेल पत्र चढ़े हैं, फूल चढ़े हैं, नैवेद्य रखी है। इसलिए आप देखते हैं कभी जब अभिषेक करते हैं तो सबसे पहले पंचोपया षोडशोपचार से उनकी पूजा की जाती है। ऐसा अभिषेक कभी भी मत कीजिए कि भगवान शंकर जी आपने जगाए और परात में बिठाया और सीधा अभिषेक शुरू कर दिया, नहीं, सिंह महापुराण में इसके लिए निषेध है। क्या करना है, भगवान को बिठाइए, पहले आवाहन कीजिए उनका, चावल एक एक करके छोड़िएगा, फिर उनको स्नान कराइए, फिर उनको आसन दीजिए, रोली चंदन लगाइए, कलावा बांधिए उन्हें, उनके ऊपर फूल चढ़ाइए, उसके तत्पश्चात बेल पत्रियाँ चढ़ाइए, नैवेद्य भोग लगाइए और उसके तत्पश्चात प्रणाम कीजिए, उसके बाद अगन्यास करन्यास कीजिए, फिर सृंगी का पूजन कीजिए और उसके तत्पश्चात फिर महारुद्राभिषेक कीजिए। अभिषेक होने के बाद में फिर उनको नहला धुला करके फिर उनके ऊपर ये संपूर्ण चीज़ें चढ़ाइए, 16 उपचारों से फिर उनका पूजन कीजिए। उसको जो लास्ट में पूजा होती है उसको उत्तर पूजा कहते हैं। तो उसी बात का वर्णन किया गया, लिंगम शिवम तथा पुष्पम अखंडम तंडुलम तथा चर्चितम चंद नहीं व जलधारा तथा पुनः। भगवान को जिस समय चंदन भी लगा हो, उनके ऊपर चावल भी चढ़े हुए, फूल भी चढ़ा हुआ हो, उसके बाद क्या, जलधारा तथा पुनः, उसके बाद जलधारा के द्वारा आप शिव का अभिषेक करते हैं, उसकी बड़ी महिमा। घर में कलह है, झगड़ा है, बाप बेटे का झगड़ा है, बहू सास का झगड़ा है, तो बड़ा अच्छा वर्णन किया है, उस जल में कुछ भी मत डालिए, सीधा दूध भी मत डालिए उसमें, सिर्फ जल से ही भगवान का महारुद्राभिषेक पूरा करें। जो भी चीज़ें आपने उसमें मिला ली हैं तो तत्काल उसका परिणाम कुछ प्राप्त करने के लिए हो जाएगा। जैसे आपने तेल मिला लिया उसमें, अभिषेक किया, तो इसके दो प्रभाव हैं। क्या क्या प्रभाव हैं, काली सरसों के तेल से आपने अभिषेक किया तो रोग खत्म होगा, पीली राई जिसे बोलते हैं उससे यदि आपने अभिषेक कर दिया तो दुश्मन समाप्त हो जाएगा, पक्का है, इसमें कोई बनावटी बात नहीं। गन्ने का रस मिला लिया, घोर गरीबी खत्म हो जाएगी। दुर्वा का रस बना लिया, बृहस्पति की तरह विद्वान हो जाओगे। कनेर के फूल का रस मिला लिया तो इसमें भी जो हमारे दुश्मन की जो वृत्ति ठीक नहीं है हमारे प्रति, वो समाप्त हो जाएगी। शहद से आपने भगवान का अभिषेक, पानी में शहद मिला लिया, परदेश में भी आपका दुश्मन रहता है तो वो दौड़ता हुआ आपका अपना हो जाएगा। जो बच्चे रूठ गए हैं, अपनी पत्नी को लेकर दूर चले गए, मम्मी पापा के पास नहीं आते, जो अपना है, जो हमसे बिछुड़ गया है, जल में शहद डालकर भगवान शिव का अभिषेक करने से जो हमने अपने खो दिए हैं वो वापस हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन घर में जब कोई कलह है, कोई झगड़ा है, कोई बनती नहीं है, तब पानी में कुछ नहीं डाला जाता, शिव धारा, जल धारा शिव प्रिया, भगवान शंकर को जल धारा से प्रिय है, उस समय अकेले जल से ही भगवान का महारुद्राभिषेक। सावन का महीना चल रहा, एक भी दिन ऐसा ना निकले आप भगवान शिव के ऊपर जल बेलपत्रियां आप ना चढ़ा पाए, रोज चढ़ाइए, यही एक महीना कमाल कर देगा। आप कहेंगे इतना आनंद आ कहां से गया, आनंद बाजार में नहीं मिलता, आनंद अंदर से प्रकट होता है। भगवान का एक नाम आनंद है, जिस समय आप भगवान से जुड़ जाओगे तो भगवान ही आनंद बनकर आपके घर आ जाए। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
नंद के कृष्ण भयो नहीं, नंद के आनंद भयो। जिस समय तुम्हारे जीवन में आनंद प्रकट होता है वो आनंद कोई नहीं, और तुम्हारे जीवन में भगवान ही तुम्हें सनात करने के लिए आए।